अपने हाथों को उठाओ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। आज जो कुछ मैं सुनो मैं इसे अंदरूनी आंखों से ग्रहण करूं। वो देखता हुआ जो दुनिया नहीं देख सकती, ताकि मैं वो पा सकूं जो दुनिया नहीं पा सकती। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आसरा आत्मा तेरा वचन मुझे छुए, मेरी जिंदगी में उत्पत्ति करे, पैदा करे उन चीजों को जिनके लिए मैं पैदा हुआ हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा मेरी अगुवाई कर अपने धर्म के मार्गों के निमित्त कि मैं उस पर चलता रहूं। तेरा वचन मेरे हृदय में बसा रहे और मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। आज मेरा तेरे घर में आना, तेरी हजूरी में आना मेरी बरकत का, मेरे छुटकारे का, मेरी चंगाई का, मेरे पूरे परिवार के उद्धार का कारण हो, यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं बाकी के समय को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं जानता हूँ तेरा आत्मा हमें चलाएगा और मैं तैयार हूँ तेरी आत्मा की अगुवाई से चलने के लिए। बाइबल कहती जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी, वहां चंगाई। अपने दोनों हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर की आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि तू यहाँ पे मौजूद है। कहो परमेश्वर की आत्मा मैं तेरा थैंक्स करता हूँ कि तू यहाँ पे मौजूद है, और मैं विश्वास करता हूँ, ऊंची आवाज में बोलो मैं विश्वास करती हूँ कि अगर तू यहाँ पे मौजूद है तो अपने वचन को पूरा करेगा कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आजादी है। मैं इस आजादी को ग्रहण करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन। ऊंचा या शिशाब के चर्च अपने हाथों को उठाओ। आज इस प्रेजेंस में हर एक जन, ओवरफ्लो सेक्शन, ऑनलाइन चर्च, जितने भी जन इस खुदा की प्रेजेंस में हैं, आपकी लाइफ को आसान होने का मैं हुक्म देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो कर्ज जो आपके रोने का कारण है उस कर्ज को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूं आज इस प्रेजेंस में आने वाले हर वो जन जो इस खुदा की पाक हजूरी में है, आपके आसपास की हर एक चीज, आपके स्वर्ग दूत जो आपके लिए दिए गए, आपका बिजनेस, आपके लोग यीशु मसीह के नाम में आपके फेवर में आज से काम करें। इस प्रेजेंस में आने वाले हर एक जन को मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं कि आपकी लाइफ आज से आसान हो और संघर्ष जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं आपके परिवारों समेत, और मैं घोषित करता हूं कि आज आप सेम वापिस नहीं जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा या आशीष आपके चर्च, ऊंची आवाज में आमीन। सात बार बोलो हालेलुया हालेलुया। आमीन। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। मुझे पूरा विश्वास है आप सेम वापिस नहीं जा रहे हो। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपने पड़ोसी को बोलो बिना वचन तू चंगियाई को भी संभाल नहीं सकता, बिना वचन के तू बरकत पा तो सकता है लेकिन उसे संभाल नहीं सकता। बिना वचन के तू बरकत पा सकता है लेकिन हो सकता है तू नरक चला जाए। इसीलिए वचन को सुन ताकि तू बरकत भी पाए, तू चंगा भी रहे और तू अनंत जीवन का अधिकारी भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। याद रखो जिस दुनिया में आप रहते हो ये दुनिया एक फेक दुनिया है। क्या ये दुनिया? ये एक नकली दुनिया है। और अब जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ती जा रही है ये और नकली होती जा रही है और करप्ट होती जा रही है
और अंधेरी होती जा रही है, और जितनी जरूरत आपको 2 साल पहले थी परमेश्वर की, अब आपको 10 गुना ज्यादा जरूरत है परमेश्वर की। अगर आप इमेजिन, अगर आप एनालाइज करें, अगर आप देखें अपने आसपास, इस महामारी के आने के बाद और जो घटनाएं दुनिया में हो रही उसके बाद, अगर आप एनालाइज करें, अगर आप देखें, अगर आप अपने दिमाग को चलाएं, अब आपको परमेश्वर की ज्यादा जरूरत है। इस फेक दुनिया में जो प्रमाण मांगती है, जो चिन्ह मांगती है, जो व्यभिचार से भरी हुई है, इस फेक दुनिया में अब आपको परमेश्वर की ज्यादा जरूरत है। अब उतनी जरूरत है कि आप उसके वचन को इतना ध्यान से सुने और उस पर कान लगाएं, क्योंकि ये वचन पर कान लगाना और इसको ध्यान से सुनना, ये आपकी पास्टर की बरकत नहीं, ये आपकी बरकत का कारण है। अब जितना ध्यान आप 2 साल पहले लगाते थे, आपको उससे अधिक ध्यान देना होगा और उस पर चलना होगा, अगर आप उन चैलेंजेस से, उन चुनौतियों से पार आना चाहते हो जो अब आपकी लाइफ में, जो अब इस दुनिया में, इस देश में, पूरी वर्ल्ड में जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां चल रही है, अगर आपको उनसे पार आना है, आपको पहले से अधिक ध्यान देना होगा। पहला राजा 13 उसकी 28 और 29 आयत में लिखा, तब उसने जाकर उस जन का शव मार्ग पर पड़ा हुआ और गधे और सिंह दोनों को शव के पास खड़े हुए पाया, और यह भी कि सिंह ने ना तो शव खाया और ना ही गधे को फाड़ा। तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन का शव उठाकर गधे पर लाद दिया और उसके लिए छाती पीटने लगा और उसे मिट्टी देने लगा और अपने नगर में लौटा ले आया। बाइबल कहती है एक यंग प्रोफेट, एक जवान परमेश्वर के जन को परमेश्वर ने कहा, जा और उस राजे को बता कि उसने पाप किया और मैं उसके घराने को खत्म कर दूंगा। यंग प्रॉफिट गया और परमेश्वर ने कहा, तू रास्ते में ना तो पानी पिएगा, ना तो वहां रोटी खाएगा। जैसे ही राजा को तू मैसेज दे देगा, तू वहां से वापस भाग के आ जाएगा, और जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से तू वापस नहीं आएगा, कहीं और से जाएगा और कहीं और से आएगा। क्योंकि परमेश्वर को मालूम था अगर ये इस रास्ते से जाएगा और इतना बड़ा मिरेकल करेगा और वापिस जब इसी रास्ते से आएगा तो लोग हाय हेलो करेंगे, इसको बिठाएंगे, इसको खाना खिलाएंगे, इसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। परमेश्वर ने कहा जिस रास्ते से गया उस रास्ते से मत आना, किसी और रास्ते से आना, रास्ते में रोटी नहीं खाना, पानी नहीं पीना। और बाइबल कहती है जब वो राजा के पास गया और राजा ने जब उस नबी को उसका मैसेज सुनकर गुस्सा किया और अपना हाथ बढ़ाया कि इसे पकड़ लो और मार दो, जैसे ही राजा ने अपना हाथ बढ़ाया उसका हाथ खड़ा हो गया, उसको लकवा हो गया, और राजा को यकीन आ गया कि ये नबी परमेश्वर ने है खड़ा किया। और राजा ने उस नबी की बात को सुना और नबी वापिस जा रहा है। लिखा है एक बूढ़ा नबी उसके पास आके बोलता है, कहता कहां जा रहा है? उसने कहा वापिस जा रहा हूं। उसने कहा परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया तेरे लिए कि आ तू रोटी खा और पानी पी, और वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसके घर जाके उसने खाना खाया और पानी पिया, और परमेश्वर का वचन पहुंचा, तूने मेरी आज्ञाओं को तोड़ा, अब तू जीवित नहीं रहेगा। और वो रास्ते में बाइबल कहती जा रहा था, गधे के ऊपर एक शेर निकला, उसने उसको मार दिया, और जब वो बूढ़ा नबी आके उसको, उसकी लाश को देखता है तो शेर ने ना तो उसको खाया ना ही गधे को मारा, और गधा उसके पास खड़ा था और जवान नबी मरा हुआ था। क्योंकि शेर जब भी शिकार करता है वो खाने के लिए करता है, शेर कभी भी शिकार नहीं करता अगर उसको भूख नहीं लगी, यहां तक कि अपने आसपास के जानवरों को वो छोड़ देता है, उन पे अटैक नहीं करता अगर उसको भूख ना लगी हो, और जब शेर को भूख लगती है वो तभी अटैक करता है। इस बात का ये सबूत था कि वो शेर परमेश्वर की ओर से आया और उसने उस नबी को मार दिया। अगर आप इसको अगली आयत को पढ़े 29 आयत को, तो बाइबल कहती है उसके लिए वो छाती पीटने लगा। कौन सा प्रॉफिट छाती पीटने लगा उसके लिए? अरे उसी ने तो उसको मरवाया था, लेकिन बाइबल कहती है उसके लिए वो क्या करने लगा? वो छाती पीटने लगा। और जब लोग उसको देखते होंगे छाती पीटते हुए और यही सोचते होंगे कि ओ ये कितना दुखी है, ओ कितना दुखी है ये परमेश्वर का, देखो कितना दुखी है बेचारा, देखो कितना इसको दुख लगा है, और लोगों को यही नहीं पता कि यही इसका किलर है, यही इसका कातिल है और यही इसको डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, जब तक आपकी आंखें, आपका दिमाग पूरी रीति के साथ, पूरी डिजायर, पूरी इच्छा, पूरे तन, पूरे मन के साथ आपका ध्यान अगर परमेश्वर के वचन पे नहीं लगा हुआ, तो शैतान बाइबल कहती है आपको फाड़ने के लिए और खाने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने कहा आप एक फेक दुनिया में रहते हैं, आप ऐसी फेक और नकली दुनिया में रहते हैं जहां आपको यह मालूम नहीं कि जिन लोगों के लिए लोग रो रहे हैं वही उनके कातिल हैं। आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में,
जो लोग देखते आए होंगे बोलते होंगे हो कितना दुखी है, कितना दुख लगा इसको, ओ कितना रो रहा है देखो ये। लेकिन उनको मालूम नहीं कि यही उसका कातिल है, इसी ने झूठ बोला था कि परमेश्वर ने मुझे कहा आ मेरे साथ रोटी खा पानी पी और उस जवान नबी को उसने मरवा दिया। और जवान नबी को मालूम था कि परमेश्वर अपनी इच्छा को ऐसे नहीं बदलता। उसे मालूम था बिलाम की स्टोरी को परमेश्वर ने उसे मना किया जाने के लिए, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति से फिर गया। अपने ढीठ पुणे के कारण बराबर परमेश्वर को पूछता गया प्रभु मैं जाऊं, जबकि उसे मालूम था प्रभु एक बार मना कर चुके हैं। उसे मालूम था ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि मैं रोटी और पानी खाऊं, लेकिन पेट, लेकिन भूख, लेकिन शरीर की इच्छाएं, लेकिन वो अभिलाषाएं, वो शरीर की, वो आंखों की, वो जीविका की, वो पैसों की, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और वो मारा गया। अगर आप इस दुनिया के धोखे से बचना चाहते हो, अब आपको उतना ध्यान वचन पर लगाना होगा जितना आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं लगाया। अगर आप बचना चाहते हो अब इस दुनिया में जहां अंधेरा बढ़ चुका है, आपको इतना ध्यान लगाना होगा जितना आपने कभी नहीं लगाया। यीशु मसीह बाइबल कहती है एक जगह अपने चेलों के साथ आ रहे थे, मिरेकल करके, बड़ा चमत्कार करके, लोगों को 5,000 लोगों को खाना खिला के, 5 रोटियां 2 मछलियां 5,000 लोगों को, यानी 5,000 बंदों को, यानी 20,000 लोगों को खिला के आ रहे थे। तो बाइबल कहती 5,000 पुरुष थे और स्त्रियां और बच्चे भी थे। तो 20,000 लोगों को खिला के यीशु मसीह आ रहे, और चेलों को बोला कि फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। और चेलों का दिमाग अभी भी रोटी पे लगा हुआ था, कहते परमेश्वर हम तो रोटी नहीं लेके आए, तो खमीर कहां से, चौकस कहां से रहेंगे। जबकि परमेश्वर ने उन्हें ये चौकस रहने के लिए क्या कहा था कि फरीसी जो कुछ बोलते हैं चौकस रहना, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि तुम्हें बड़ा ध्यान रखना होगा कि तुम क्या सुनते हो और तुम किससे सुनते हो। इसलिए अगर आपके पास परख का आत्मा नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपका ध्यान भटक सकते हैं, शैतान उसका फायदा उठा सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। चौकस रहना वो क्या बोलते हैं, उनकी बातों का यकीन मत करना, क्योंकि अगर आप सबकी बातों को सुनेंगे आप मिस कर जाएंगे परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। क्योंकि शैतान यूज कर सकता है आपके करीबी लोगों को, वो यूज कर सकता है इन्फ्लुएंस वाले लोगों को, वो यूज कर सकता है हाई कुर्सी पे बैठे लोगों को, आपकी जिंदगी को भटकाने के लिए परमेश्वर के वचन से। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर के वचन पर आप केवल अड़े और खड़े रह के, आप फोकस रख के, ध्यान लगा के ही खड़े और अड़े रह के रिजल्ट ले सकते, नहीं तो नहीं ले सकते। इसलिए यीशु मसीह को बड़ी चिंता थी कि तुम लोग क्या सुनते हो, क्योंकि जो चेले लोगों की बातें ज्यादा सुनते थे बाइबल कहती वो सारी दुष्टात्माएं नहीं निकाल पाए, पर पतरस, याकूब और यहूना वो सब काम कर सकते थे जो यीशु मसीह कर सकता था। चौकस रहो तुम क्या सुनते हो, यहां से जाने के बाद तुम्हारे दोस्त तुमको क्या बोलते हैं, तुम्हारी सहेलियां कैसी हैं, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार कैसे हैं, वो लोग तुमसे क्या कहते हैं, क्या वो ऐसी बातें बोलते हैं जो तुम्हारे विश्वास को कम करें, तो ध्यान रखो ये तुम्हें भटकाने के लिए। वो बूढ़ा नबी जब जवान नबी से मिला तो उसने कहा, उसको ऐसा दिखाया कि वो उसकी बहुत चिंता करता है, आया यार कुछ खा पी ले, देख तू कितना सूख गया, देख तू रास्ता बड़ा है, हाय तू ऐसा लग रहा है, आजा कुछ खा ले, कोई बात नहीं, परमेश्वर ऐसा थोड़ी है, तूने उसका काम कर दिया ना, आजा आप खा पी ले थोड़ा सा। इमोशनल लोग आपको भटका सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा पतरस मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ये लोग मुझे दुख देंगे और मैं मारा जाऊंगा और गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, पतरस कहता है हाउ परमेश्वर, और झिड़कने लगा। बाइबल कहती उसको झिड़के मारी यीशु मसीह को, बोलता है तू तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। यीशु मसीह ने कहा शैतान हट जा मेरे सामने से, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्योंकि शैतान आपके पास आता है आपके करीबी लोगों में से ताकि आप अपने क्रूस को ना उठाएं, अपने आप का इनकार करना छोड़ दें, आप फास्टिंग करना छोड़ दें, आप बोना छोड़ दें, आप प्रार्थना करना छोड़ दें, आप खुदा को दिल में रखें। 2 घंटे 2.5 घंटे देने की रोज में क्या जरूरत है, कोई बात नहीं। मत्ती 24 उसकी 12 और 13 आयत में लिखा हुआ बाइबल कहती अंत के दिनों में क्या होगा, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, यीशु मसीह ने कहा जब एंड डेज होंगे अधर्म बढ़ जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पुराने टाइम में अगर किसी ने गंदा सीन देखना होता था तो जब वो लाइनें लगती थी सिनेमा के बाहर कि इस फिल्म में एक गंदा सीन है, सारा यूथ इकट्ठा हुआ है कि इस फिल्म में एक सीन है जी, फलानी फिल्म है जी, इस फिल्म में एक सीन है, उसको देखते
कभी 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 ऐसा सीन मिलता था। आज आपको गंदा सीन देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपनी फेसबुक खोल लो आपको गंदा सीन मिल जाएगा। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे अब नहीं हूं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती अंत के दिनों में अधर्म बढ़ेगा। जो गंदा सीन लोग सीडी मंगा के देखते थे, आज वो फेसबुक ऐसे ऐसे ही खोलते जाओ आपको मिलते जाएंगे। और आपको लगता है कि ये तो आज की दुनिया है, ले नहीं, बाइबल कहती अधर्म बढ़ जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है लास्ट के दिनों में अधर्म बढ़ेगा और प्रेम ठंडा होगा। जब भी शैतान आपको भरमाता है, आपको यीशु मसीह से पीछे लेके जाता है, वो कभी भी एकदम ऐसा नहीं करता, वो धीरे धीरे करता है। एक छोटा सा काम, एक छोटी सी कमी, उससे वो शुरू करता है। जैसे बोलते हैं ना, तू यार पैर रख ले, अब बैठने की जगह बना लेंगे। तू पैर रख ले, हम घर बनाने की जगह खुद ब खुद रख लेंगे, तू बस पैर रख ली वहां। तू हॉल में अंदर एंटर हो जाए, मेन हॉल में बस अपनी बाइबल रख दी, हम बैठने की जगह अपने आप बना लेंगे। ऑनलाइन चर्च उन लोगों के लिए है जो बाहर बैठे हैं, जो बॉम्बे में बैठा है, हर संडे नहीं आ पा रहा, जिसकी जिसकी वाइफ आना चाहती है और हस्बैंड बहुत तगड़ा शराबी है, मारता है कूटता है, जो उसको आने नहीं दे रहा, वो अविश्वासी, उन लोगों के लिए ऑनलाइन चर्च है। आपको आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि यहां चर्च में लोग नहीं है? नो, अगर आप पहले मेन हॉल दिखाओ, ओके ओवरफ्लो दिखाओ जल्दी जल्दी से, टाइम नहीं। ये अभी की चर्च है, ये अभी की चर्च है, ये राइट नाउ, ये ओवरफ्लो सेक्शन है सभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। रुको रुको, चलने दो, ये सारे ओवरफ्लो हैं अभी जितने आप देख रहे हो, ये सारे ओवरफ्लो सेक्शन है चर्च के। गुरदासपुर चर्च दिखाओ, हाँ हाँ दिखाओ। सुनो मेरी बात, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको चर्च में लाना चाहता हूं, यहां चर्च ऑलरेडी फुल है। जितने चर्च के सेक्शन हैं आज, जितनी चर्च की ग्राउंड्स हैं, सारी भर चुकी हैं, चर्च के पास जगह नहीं है बिठाने की। लेकिन सुनो मेरी बात, मैं क्यों आपसे कह रहा हूं, बाइबल कहती अंत के दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और ठंडा ऐसे नहीं कि वो यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, मतलब घर में बैठे हैं, हाँ अले आई यार दाल ले आई यार भूख लगी यार, ओ कोई नहीं कोई नहीं, हले बचन आने वाला चाह तू, हले वर्शिप चल दी, कोई नहीं, अब दालें चल रही हैं, परोंठियां चल रही हैं घर पे, अब वचन के टाइम पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वर्शिप के टाइम पे नाश्ता चल रहा है, बीवी कुकर की सीटियां मार रही है, बेटा नहा रहा है और छोटी बेटी पॉटी कर रही है, ये घरों में चल रहा है, और शर्म आनी चाहिए। ऑनलाइन चर्च उन लोगों के लिए है जिनको पास रियल रीजन है, जो खुदा को कह सकते हैं, परमेश्वर देख मैं दूर रहता हूं, मैं 5000 किलोमीटर दूर रहता हूं, मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं तेरे वचन से दूर नहीं रहना चाहता। उन लोगों के लिए नहीं है। अगर आज रात को इन लोगों को हार्ट अटैक हो जाए, तो रात को 2 बजे अगर हार्ट अटैक हो, 2:15 में ये गाड़ी के अंदर बैठे होंगे और हॉस्पिटल पहुंचे होंगे, लेकिन चर्च के लिए एक ऑटो ढूंढने में इनको 3 हफ्ते लगते हैं, ये ऑटो वाला नहीं मिला। इसलिए परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में, लिखो, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। उसने ये नहीं कहा प्रेम खत्म हो जाएगा, उसने ये नहीं कहा वो यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, उसने ये नहीं कहा कि वो यीशु मसीह को भूल जाएंगे, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा प्रेम ठंडा हो जाएगा लोगों का। 2030 में चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश होगा। मालूम क्यों? आपको लगता है अमेरिका होगा, किसी को लगता है ये देश होगा, चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश होगा। आज अगर संडे है तो मॉर्निंग 4 बजे 3 बजे लोग वो उठते हैं गुफाओं में, जहां 3,000-4,000 लोग गुफाओं में मीटिंग्स करते हैं गुफाओं में, और 5, 6, 7 बजे सुबह तड़के से पहले ही, गवर्नमेंट जागने से पहले ही वहां से फाड़ी हो जाते, खत्म हो जाती मीटिंग। इतना प्यार करते हैं वो परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उनको मीटिंग नहीं करने देती, वो सुबह उठते हैं। और वहां अगर आप जाके देखो, जिन लोगों को लगता है कि चाइना में सबसे अधिक अविश्वासी हैं, चाइना में सबसे अधिक नास्तिक लोग हैं, ये सब कुछ झूठ है, ये सारा कुछ मिथ है, ये सच्चाई नहीं। चाइना में जितनी कंपनियां, जितने सीईओ, जितने अमीर लोग, जितने गरीब लोग, हर एक बंदा जितने स्पीड से यीशु मसीह में आ रहे हैं, मैंने कहा 2030 में चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश होगा, चाइना सबसे बड़ा देश होगा क्रिश्चियन दुनिया का। सुबह सुबह उठते हैं। आज मेरे को मैसेज आ रहा था कि हमारा हॉल जो है वो सुबह ही भर चुका है,
मीटिंग शुरू होने से घंटों पहले मेन हॉल भर चुका है, ओवरफ्लो भरने शुरू हो चुके। ये निशानी है आप लोगों की जो आप यहाँ पे मौजूद हो, कि परमेश्वर आपकी लाइफ को छुएगा और काम करेगा आपकी जिंदगियों में, वो आपको भूलेगा नहीं। आप मेरी एग्जांपल देख लो, मेरी मेहनत देख लो, और लोग मुझे मूर्ख बोलते थे, यहाँ तक कि मेरे साथ काम करने वाले दूसरे क्रिश्चियन यूथ मुझे मूर्ख बोलता था कि इसको पैसे की कदर नहीं है, पैसे उड़ाता है यीशु मसीह के लिए, इसको अपनी लाइफ की कदर नहीं है, देखो कैसे रोजे रख रख के शक्ल बिगाड़ ली। लेकिन बाइबल कहती है, मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत तुम्हारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह आपसे कह रहा है, अगर तुम मेहनत करोगे व्यर्थ नहीं होगी तुम्हारी मेहनत। अगर आज तुम चर्च में मौजूद हो, और मैं आपको बता देता हूं, जितनी अनॉइंटेड चर्च होगी, जितनी सामर्थी चर्च होगी, जितना खुदावन का वचन और मसा वहां काम करेगा, उतना ही शैतान आपको तंग करेगा उस चर्च से दूर करने के लिए। वो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम डाले, वो आपको दिक्कत दे, वो आपका विरोध करे, उसे मालूम है कि ये वही जगह यहां जिसने जहां इसने छुटकारा पाने। इसलिए बाइबल कहती, इकट्ठे होना मत छोड़ो। फिर से बोलो, इकट्ठे होना मत छोड़ो। एक भी जन ऐसा नहीं है जो भूखा मरा हो। क्यों? जुगाड़ लगा लेते रोटी का इधर से या उधर से, लेकिन हमें मालूम है संडे हमने खुदा के घर में जाना है, तो क्यों नहीं सोमवार से, कल से हम अपने किराए को, अपने पैसों को, अपने तरीकों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लेकिन नहीं, जब हमारे शरीर को जरूरत होती है दवाई की, हम रात को भी हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन जब आत्मा को जरूरत है, जिसके जिसके साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका फाइनेंस जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, उसके लिए हम अलर्ट नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है, फिर से पढ़ेंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्योंकि आज आपको आसानी से मिल रहे, अगर आप चाइना में होते हैं और यूट्यूब ना होता और फेसबुक ना होता और आपकी जब चर्च को ऑनलाइन चलने ना दिया जाया होता, तो आपको वैल्यू समझ आती। सुबह सुबह वो लोग चर्च में आगे इकट्ठा होते और परमेश्वर की महिमा करते। याद रखो, अगर हम बलिदान नहीं देंगे तो कभी फायर नहीं होगी। आग तभी बढ़ती है जब उसमें लकड़ी बढ़ती, आग तभी बढ़ती है जब उसमें बलिदान बढ़ते। अगर लकड़ी कम होगी तो फायर कम होगी। और शैतान आपकी मासी का बेटा नहीं है कि आपको छोड़ देगा। आप जितना अच्छे हैं वो उतना अधिक अटैक करेगा, आप जितने भले हैं वो उतनी टेढ़ी निगाह से आपको देखेगा, क्योंकि उसका काम है अच्छों को भलों को खत्म करना। जो लोग अच्छी तरह से बोलते हैं, मैंने क्या कसूर किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी को माड़ा नहीं बोला, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तभी तो हुआ। बाइबल कहती वो अच्छे लोगों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। बुरे तो पहले ही नाश हैं, वो तो दूसरों का नुकसान करके अपना खुद ही बाद में करवा लेंगे, वो तो पहले से खत्म हो चुके हैं। लेकिन बाइबल कहती वो नाश करने, हत्या करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया। आपको प्राइस पे करना होता है परमेश्वर के प्रेजेंस में आने के लिए। आसान नहीं होता परमेश्वर की हजूरी में आना, लेकिन आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, अगर आप उसके भवन में, उसकी प्रेजेंस में, उसी डिजायर, उसी इच्छा के साथ, बाइबल कहती है अपने परमेश्वर से पूरी मन, पूरी ताकत, पूरे प्रेम, पूरी शक्ति के साथ प्यार करना। क्योंकि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आसानी से घर पे मीटिंग मिलने से आपका प्रेम ठंडा हो जाएगा, परमेश्वर ने कहा। आज आप सिर्फ वर्शिप को ऑनलाइन मिस कर रहे हैं, कल आप वचन को भी मिस करेंगे, कल आपके फोन की चार्जिंग खत्म हो जाएगी, कल को इंटरनेट खत्म हो जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो, अधर्म के बढ़ने से। जीसस ने कहा बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आप जानते हैं, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, पहला राजा 17 बाब उसकी 1-6 आयत, तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके समक्ष मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना मेह पड़ेगा ना औस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छुप जा, उस नाले का पानी तू पिया कर, मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे वहां खिलाएं। बोलो वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में छिपा रहा। सवेरे सांझ को कौए उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी
इच्छा है कि परमेश्वर आपको छुए, वो आपको चंगा करे, वो आपके परिवार में ब्रेक थ्रू दे, वो आपकी सेहत में ब्रेक थ्रू दे, वो आपको फाइनेंस को ब्लेस करे, ये सब चीजें ठीक हैं, बिब्लिकल हैं। बाइबल कहती है वो छुड़ाने के लिए आया, वो बचाने के लिए आया, उद्धार देने के लिए आया। वो उद्धार शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, आत्मिक है। एलिया बाइबल कहती उस समय का ऐसा एक जन था जब अधर्म बढ़ चुका था और लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया था, क्योंकि जो राजा था, जो गवर्नमेंट थी, वो परमेश्वर के खिलाफ थी। जो राजा की पत्नी थी इजाबेल, वो बाइबल कहती है बाल नामक देवताओं की 850 उसने नबी रखे हुए थे शैतान के, जो उसके साथ उसकी मेज पर खाते थे। और आज की अगर वैल्यू लगाओ तो कम से कम 30-40 करोड़ रुपया एक साल का वो उनके सिर्फ खाने पर खर्च करती थी। और बाइबल कहती लोगों को परमेश्वर की आराधना करने की अनुमति नहीं थी, लोगों का प्रेम ठंडा हो चुका था। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर का एक जन उठा और वो धर्म त्याग के विरुद्ध लड़ा। एलिया ने बाइबल में पढ़ा, यहां यीशु मसीह ने, यहोवा ने लिखा था कि अगर लोग मुझे छोड़ देंगे मैं आसमान बंद कर दूंगा। उसने कहा परमेश्वर मैं तेरे से प्रार्थना करता हूं, इन लोगों ने तुझे छोड़ दिया, आसमान बंद कर दे, इन लोगों को भूखा मरने दे, इन पे कोई बारिश ना आए और अकाल पड़ जाए। तब मोटरें नहीं होती थी कि सबमर्सिबल लगाया और मोटर से पानी ले लिया, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और बारिश, परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं बंद करूंगा, औस नहीं आएगी। और वो राजा के पास जाके बोला, राजा मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना औस पड़ेगी, क्योंकि मेरी प्रार्थना से परमेश्वर ने ये बंद किया, मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं कि मेरे कहे बिना ना तो बारिश बरसेगी ना औस पड़ेगी। लिखा वो कह के यहां वहां से चल पड़ा और परमेश्वर ने कहा अब एलिया ऐसा कर, करीत नामक नाले में जाके छुप जा, वहां पानी होगा तो पिया करना, और कौवे सवेरे और शाम को तेरी रोटी लेके आया करेंगे और तुझे वहां खिलाएंगे। बोलो वहां खिलाएंगे। कहां खिलाएंगे? जहां परमेश्वर ने उन्हें भेजा, वहां नहीं जहां एलिया चाहता था। वो रोटी आपके घरों में ऑनलाइन नहीं खिलाएगा, वो चर्च में खिलाएगा आपको। आप समझ रहे मेरी बात को? बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा वो तुझे वहां खिलाएंगे जहां मैं तुझे भेज रहा हूं, जहां तू अपनी मर्जी से बैठे हैं वहां नहीं, जहां मैं तुझे भेज रहा हूं वो तुझे वहां खिलाएंगे। जब आप धर्म त्याग के विरुद्ध लड़ते हैं, जब आप उन लोगों के लोगों में सुसमाचार देने जाते हैं कि आप यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो, ये वही चीज है जो एलिया कर रहा था। तो बाइबल कहती है जैसे ही आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, जैसे ही आप परमेश्वर वाली जगह पे निकलते हैं जाने के लिए, बाइबल कहती है परमेश्वर उन चीजों से आपकी सप्लाई को पूरा करता है जिन चीजों से आपने कभी उम्मीद नहीं की होती। एलिया को 3 बार खाना मिला है स्वर्गीय इंतजाम से। पहली बार उसे कौओं ने खिलाया, दूसरी बार एक विधवा ने उसे खिलाया जब उसका आटा, उसका मैदा और तेल खत्म हो चुके थे, और एलिया की प्रार्थना से वो आटा और मैदा बढ़ते रहे और उस छोटे से जार में कभी खत्म नहीं हुए जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ। तीसरा, स्वर्ग दूत ने उसे रोटी और पानी दिया और उसने खाया। अगर आप कौओं की बात सुने तो कौए ऐसा जीव है जो इंसानों से डरते हैं, इंसानों के पास नहीं जाते, और ऐसा जीव है जो इंसानों से चुराते हैं, ढाबों से चुराते हैं, आपके घरों से चुराते हैं। आपके घर में कहीं कभी कौआ 10 किलो की थैली रख के गया आटे की? कभी चिकन तंदूरी रख के गया हो आधा? हाँ, मटर पनीर रख के गया हो, ऐसा हुआ है कभी? लेकिन बाइबल कहती एलिया जब उस नाले के बाहर आया, एलिया जब करीत नामक नाले का जल सूख गया और परमेश्वर ने कहा जा मैंने विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है, बाइबल कहती जब एलिया उस नाले से बाहर आया तो एलिया पहले से अधिक मोटा हो चुका था। और जब एलिया बाहर आया तो लोग देखते होंगे कि क्या चक्कर है ये, हम पतले हो रहे हैं, हम लोग सूख रहे हैं, एलिया मोटा हो रहा है, ये क्या चक्कर है? लेकिन बाइबल कहती एलिया जो था वो धर्म त्याग के विरुद्ध था। एलिया जो था वो परमेश्वर के साथ पूरे मन से आप प्यार करो इस बात के लिए वो फाइट करता रहा। और जब आप इस बात के लिए लड़ते हैं, आप सुसमाचार देने के लिए जाते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को सुसमाचार देते हैं, आप लोगों को सुसमाचार देते हैं। ऑनलाइन मीटिंग उन लोगों के लिए है, अगर आपका एक मित्र, अगर आपका एक रिश्तेदार यकीन नहीं करता, आप उसको लिंक भेज सकते हो, भाई ये मीटिंग देख। कि वो आ नहीं सकता, वो आने में आना का नहीं कर रहा, लेकिन अपने मोबाइल पर देख तो सकता है ना। और बाइबल कहती एलिया धर्म त्याग के विरुद्ध लड़ा
और बाइबल कहती है जैसे ही वो परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे लिए खड़ा है तो मैं तेरे लिए खड़ा हूं, अगर तुम मेरे लिए खड़ा है तो मैं तेरी जरूरतों को वहां से पूरा कराऊंगा जहां तेज सोच भी नहीं सकता। आज इस मीटिंग के बाद जब आप घर वापिस जाएंगे, मेरे स्वर्ग का परमेश्वर वो एलिया का और मेरा परमेश्वर आपको खिलाने वाला है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। वो आपके बिजनेस के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके बच्चों की फीस के लिए स्वर्ग से इंतजाम करेगा, मैं आपको सच कह रहा हूं। कितने मेरी बात पे यकीन कर रहे हैं? मैं आपको एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं या नहीं? क्या आप लोगों की भीड़ में शामिल हैं जो भीड़ में शामिल हो गए कि नहीं हम राजा के खिलाफ नहीं जा सकते, नहीं हमें वो मार देंगे, नहीं ऐसा हो जाएगा। पर बाइबल कहती एलिया परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, और जब वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा परमेश्वर ने उसकी जरूरतों को पूरा किया। कौए उसे खिलाते रहे सवेरे और शाम, सवेरे और शाम, भूलते नहीं थे, टाइम पर आते थे सवेरे शाम, और ये नहीं सिर्फ खिचड़ी लेके आते थे, लिखा मांस और रोटी लेके आते थे, सूखा हुआ खाना नहीं लेके आते थे, फ्रेश फूड सुबह शाम लेके आते थे, सुबह शाम। वो क्यों आपको बरकत दे, क्यों आपका फाइनेंस बढ़ाए, क्यों आपका बिजनेस बढ़ाए? क्या किया आपने परमेश्वर के लिए? जिस दिन आपका फाइनेंस, आपकी नौकरी, आपका पैसा, जिस दिन परमेश्वर के कामों में जाना शुरू होगा, जिस दिन टाइथ और ऑफरिंग देने शुरू करोगे, उसी दिन परमेश्वर आपका इंतजाम भी करना शुरू कर देगा, क्योंकि आप उसके काम के लिए खड़े हैं, आपका फाइनेंस उसके काम के लिए खड़े है। बाइबल कहती पोतीपर की पत्नी सिर्फ ऐसी थी जो यूसुफ के अधीन नहीं थी, और उसी पर शैतान ने अटैक किया। आपकी जो चीज परमेश्वर के अधीन नहीं उसी पर शैतान अटैक करते हैं। आपकी प्रार्थना तो पूरी है, रोजे तो पूरे हैं, लेकिन हम ऑफरिंग में कमजोर हैं, हम देने में कमजोर हैं, और वही पे शैतान अटैक कर रहा है कि हम सामर्थी तो हैं लेकिन गरीब भी हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो बाइबल कहती है जब एलिया मोटा होकर वहां से निकला और जब विधवा के पास गया, उसके पास एक मुट्ठी, उसके पास आटा, एक कुप्पी तो बाइबल कहती तेल था, और बाइबल कहती इन दोनों के साथ जब वो बोलता है उस विधवा को कि ये मुझे खिला, परमेश्वर ने कहा कितना मुश्किल है ये बोलना, और बाइबल कहती उस विधवा ने उसकी बात को सुना और उसे खिलाया, और उसने कहा तेरा ना तो अब आटा मैदा खत्म होगा ना तेरा तेल खत्म होगा। सुनो मेरी बात, एलिया की जरूरत को परमेश्वर ने पूरा किया क्योंकि वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। उस विधवा और उसके बेटे को परमेश्वर ने मरने नहीं दिया क्योंकि वो एलिया के साथ खड़ी रही। आज उस वही कलीसिया कामयाब है कि जिसका पास्टर खुदा के साथ खड़ा है, बावजूद दिक्कतों के, बावजूद मुश्किलों के वो खड़ा रहा, और उसकी कलीसिया उस पास्टर के साथ खड़ी है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। मैंने लोगों को देखा है चर्चों में जाते हैं जिनका अपने पास्टर के साथ कोई प्यार नहीं, उनका कलीसिया के पास्टर के साथ कोई लगाव नहीं, उनको वो सरमन देने वाला पादरी लगता है सिर्फ, जबकि बाइबल कहती है अगर आपने कामयाब होना है तो अपने पास्टर के साथ, अपने फादर के साथ, अपने अगुए के साथ आप खड़े रहेंगे जिस तरह आप अपने बाप, अपने भाई के साथ खड़े रहे। और वो अगुआ अगर कामयाब होना चाहता है वो लोगों की ओर नहीं देखेगा, वो परमेश्वर की ओर देखेगा और उसके साथ खड़ा रहेगा। अगर वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहेगा तो परमेश्वर उसका इंतजाम करेगा। आज जो चर्च में चल रहे, जिन चीजों का आप आनंद ले रहे हो और जिन चीजों का आप आनंद थोड़े दिनों में लेने वाले हो, ये पैसों से पॉसिबल नहीं। यहां कोई ऐसा सपोर्टर नहीं जो फौरन से 100 करोड़ भेज रहे, ये परमेश्वर की ग्रेस से पॉसिबल हो रहा है। अगर आप इस चर्च का फाइनेंस देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े प्रोजेक्ट कैसे चल रहे हैं। ये प्योर ग्रेस है परमेश्वर की, ये कौए ही हैं जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं। और अगर आप इस चर्च में देखो लोग बरकत पा रहे हैं, लोग आशीषों को ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो चर्च के साथ खड़े हैं, उन्हें मालूम है चर्च में परमेश्वर का काम हो रहा है। क्योंकि जो पादरी, जो विश्वासी, जो प्रॉफेट, जो प्रेरित, जो पास्टर, जो टीचर परमेश्वर के साथ खड़ा है उसकी जरूरतें परमेश्वर पूरी कर रहे हैं, और जो कलीसिया अपने पास्टर के साथ खड़ी उस कलीसिया की जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर रहे हैं। बाइबल कहती बहुत सी विधवाएं थी लेकिन एलिया किसी के पास नहीं भेजा गया, सिर्फ सारपत की विधवा के पास। बहुत से क्रिश्चियन यहूदी थे जो मर गए, वो भी तो परमेश्वर के जन थे, वो कई विधवाएं थी, उनके कई इकलौते बेटे थे, उसी अकाल में वो मर गए बाइबल कहती है। क्योंकि परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है, उसने सबके लिए काम नहीं करना। बाइबल कहती है वो उन लोगों के लिए काम करता है जो अपने विश्वास को दिखाते हैं। उसी विधवा ने उसे खिलाया,
बाइबल कहती है वो लकड़ी बीन रही थी कि हम मैं लकड़ी बीनूं इस एक मुट्ठी मैदा से और तेल से जो रोटी बने मैं और मेरा पुत्र खाएं और मर जाएं। ये उसके मुंह का वचन था। एलिय्याह ने कहा नहीं पहले मुझे खिला, और बाइबल कहती जब उसने बोया, बाइबल कहती एलिय्याह ने कहा अब तेरा मैदा भी खत्म नहीं होगा, तेरा तेल भी खत्म नहीं होगा। और बाइबल कहती जब तक अकाल रहा वो उस आटे में से और तेल में से खाते रहे, जिस दिन अकाल खत्म हो गया वो आटा और तेल भी खत्म हो गया। अगर जो कलीसिया अपने विजन के साथ, अपने पास्टर, अपने अगुए के साथ खड़ी है, परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा करता है। वो परमेश्वर को मालूम है मरने नहीं देना। वो सब क्रिश्चियंस की जरूरतें पूरी नहीं करता, वो सब विश्वासियों की जरूरतें पूरी नहीं करता। आपको बहुत बड़ा भुलेखा है, बाइबल जिले के पंजाबी कहते हैं ना भुलेखा पै गया तुम, आप बड़ी भूल में पड़े हो। वो सबकी जरूरतें पूरी नहीं करता, वो सबको चंगा नहीं करता। बाइबल कहती विश्वास से उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने छुआ और चंगाई को लिया। और शमौन कोड़ी जिसके घर में परमेश्वर खाना खाने के लिए गए, परमेश्वर पे शक ही करता रहा, अगर ये प्रॉफिट है तो इसको मालूम नहीं जो इसके पांव पड़ रही है वो एक पापने औरत है, अगर ये परमेश्वर का जन है तो ये ऐसे क्यों कर रहा है, अगर ये परमेश्वर का जन है ये ऐसा क्यों कर रहा है। वो शक की रह के शमौन कोड़ी का कोड़ी रह गया। यीशु मसीह आए और चले भी गए और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यीशु मसीह बाइबल कहता अपने 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 शहर में गए और बड़े सामर्थी काम नहीं कर सके क्योंकि लोगों का विश्वास वहां पे नहीं था। और ऐसी जगह जहां लोगों का विश्वास था, यीशु मसीह के कपड़े के छोर को, धागे को छू के लोग चंगे हो रहे थे। जिन बीमारियों से वैद्य भी उन्हें चंगा नहीं कर पाए, सारी दुनिया की सारी कमाई उड़ा दी, वो भी उन्हें हील नहीं कर पाए। दूसरा पत्रस 2 उसकी 6-8 आयत को पढ़ेंगे। सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाली भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। क्योंकि जब वो लोग इस वचन को पढ़ते हैं, उन्हें लूत राइट साइड दिखाई देता है कि वो अपने सच्चे मन को क्या करता था, पीड़ित करता था, उसे दुख लगता था, दुखी होता था लूत। आए जहां मैं रहता हूं, यहां लोग पुरुषगामी है, इन बंदा बंदे के साथ सोता है, लेडी लेडी के साथ सोती है। वहां वो लोग, बाइबल कहती इतना अधर्म था कि परमेश्वर ने नगरों का नाश कर दिया। पर बाइबल कहती जो लूत था, उनके कामों को देख देख कर और सुन सुनकर अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। इच्छा रखना एक बात है, हाय आज बहुत दिल कर रहा है यार चर्च जान दा, प्रभु इन्ना महान है ना, प्रभु इन्ना वधिया ना, खुदा ने तो इन्ने काम किते आ मेरी जिंदगी च, पाजी चलिए फिर चर्च आज, नहीं यार आज मैं घरे ही देखनी ऑनलाइन। ऐसे लोगों के साथ बैठ जाओ और खुदा की बातें सुनो, ओ खुदा ने काम किते, मेरा दादा ऐ खुदा दे काम करदा सी, मेरा मासड़ सच्चे मन को पीड़ित तो करता था, पर भाई साहब निकले नहीं उस देश चो, उत्थे ही फसे रहे, उत्थे ही सच्चे मन को पीड़ित तो बहुत करता था। कभी गे देखा, कभी पापी देखा, व्यभिचारी देखा, दुखी तो बहुत होता था पर वहीं रहता था। उसकी बरकत का कारण अब्राहम था। जब वो अब्राहम से लड़के गया, उसे मालूम नहीं था कि उसकी चरवाहे, उसकी भेड़े इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि ये एरिया ऐसा है या उस वो बिजनेस ही ऐसा है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो अब्राहम की अनॉइंटिंग थी उसके ऊपर, जैसे ही वो अलग हुआ सारा कुछ बदल गया। सच्चे मन को पीड़ित करता था, हाय भैन जी बहुत दुख होया, पर भैन जी ने करना कुछ नहीं तुहाडे लई, पंजी नहीं कट के देनी तुहानू कि भैन जी आ लो मेरे लिए, मेरे वालों हेल्प, भैन जी पर दुखी बहुत है तेरे लिए। सच्चे मन को पीड़ित तो बहुत करता था पर उस देश को छोड़ के नहीं गया। आके अब्राहम से माफी नहीं मांगी, मुझे माफ कर दे, मुझे कहीं और भेज दे, जहां तू कहेगा मैं वहां जाऊंगा लेकिन तेरे मसे से अलग नहीं होऊंगा। और बाइबल कहती जब दूत वहां पे पहुंचे, दूतों ने कहा अब निकल यहां से। अब निकले कैसे, वाइफ उस इन्फ्लुएंस में रहती है, उस उन लोगों के वाइफ के अंदर पूरा घुसा हुआ है सदोम अमोरा, बच्चों के अंदर घुसा हुआ है, जो उसके साथ दामाद थे उनके अंदर घुसा हुआ है,
लड़कियों के अंदर घुसा हुआ है, जाना नहीं चाहते थे वहां से, दूतों ने धक्के मार मार के निकाला और वाइफ ने पीछे देख लिया और लिखा नमक का खंबा बन गई। चलो वाइफ खत्म हो गई, रह गई दो बेटियां, गुफा में गई अपने बाप के साथ सो गई। मुआब पैदा हुआ, अम्मोन पैदा हुआ और बाइबल कहती इन दोनों जातियों से परमेश्वर ने सदियों तक, सालों तक नहीं सदियों तक नफरत की परमेश्वर ने अम्मोनियों के साथ, मुआबियों के साथ। क्योंकि जो लड़कियां सारा दिन पाप होते देखेंगी, सारा दिन गंदगी देखेंगी, अपनी सहेलियां अपने सभी लोग सारा दिन व्यभिचार सारा दिन गंद, उनको वो कूल लगने लगता है, उनको वो नॉर्मल लगने लगता है, उनको लगता है ये नॉर्मल है, ये 10 बॉयफ्रेंड तो नॉर्मल है, ये चीजें तो नॉर्मल है, ये सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कुछ हुआ इनको कभी भी? वो कितना अमीर है, अभी उसने अभी रोल्स रॉयस निकाली है, अभी उसने देखो अभी तो उसने लैम्बोर्गिनी ली है, देखो तो। अब सच्चे मन को वो पीड़ित करता था, इसीलिए सिर्फ वही बचा, कि चलो पीड़ित तो करता था लेकिन वही बचा ना, उसकी बेटियां बची ना बेटियों के आगे बच्चे बचे, क्योंकि वो नफरत की। मैंने ये नहीं कहा परमेश्वर ने सजा दी, मैंने कहा नफरत की परमेश्वर ने उन बच्चों के साथ। पत्नी नमक का खंबा बन गई, परिवार उजड़ गया, पूरा परिवार फिनिश हो गया लूत का, क्यों? स्टेप नहीं लिया, बस पीड़ित करता रहा मन को, दुखी होता रहा बस, और कदम कोई नहीं उठाया, उस देश से बाहर नहीं निकला। जब उसे मालूम है यहां पर गे लोग रहते हैं, उसे मालूम है यहां पापी रहते हैं, उसे मालूम है यहां वो सब काम होते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, निकलता क्यों नहीं यहां से? तेरी पत्नी अब नहीं आएगी, तू निकल जा, आ जाएगी पीछे तेरे, अगर खुदा तेरे साथ है वो भी आ जाएगी, तेरे बच्चे अपने आप आ जाएंगे, निकल तू खुद यहां से। यही फर्क था अब्राहम में और लूत में। परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम को आशीष दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं अब्राहम अपने बाद अपने घराने को आज्ञा देगा कि वो यहोवा की आज्ञाओं को माने। अब्राहम कड़क था, उसे मालूम अपने बेटे को, उसने बेटे को समझाया हुआ था कि बेटा मैं तेरा बाप हूं तब तक जब तक खुदा तेरा बाप है, जिस दिन वो तेरा बाप नहीं है मैं भी तेरा बाप नहीं हूं, मेरे नौकरों के समान रहना, मेरी प्रॉपर्टी की इच्छा मत रखना। सख्ती, स्टेप लेना। और इसलिए हम कहते हैं अब्राहम इजहाक याकूब के परमेश्वर, लूत का परमेश्वर नहीं, किसका परमेश्वर? अब्राहम इजहाक और ऊंची आवाज में याकूब का परमेश्वर। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सच्चे मन को क्या करता था वो? पीड़ित करता था, पर भाई साहब निकले नहीं वहां से, बस पीड़ित ही करते रहे मन को कि आज बिजनेस डाउन है, पीड़ित कर लिया मन को, लेकिन चर्च नहीं गए, बस पीड़ित कर लिया मन को। वो वचन के डूअर्स को, वचन के मानने वालों को, चलने वालों को, सिर्फ सुनने वालों को नहीं, वो वचन पे चलने वालों को आशीष देता है। आमीन। कान खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं? और ये आप लोगों की बरकत के लिए हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप यहां से वापस जाएंगे आप दरवाजों को खुलता हुआ पाएंगे। जो दरवाजे शैतान ने बंद किए हुए हैं, आप देखो तो सही, अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं या उसके दास के लिए खड़े हैं, उस विजन के लिए खड़े हैं जो परमेश्वर ने दिया हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता कि हेवन आपकी सप्लाई को पूरा ना करे। अगर वो आपकी सप्लाई को पूरा नहीं करेगा तो फिर किसकी सप्लाई को पूरा करेगा? अगर वो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा फिर किसकी जरूरतों को करेगा? मत्ती 24:12-13, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। मेक श्योर इस लाइफ में जहां सब कुछ फेक है आपके आसपास, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पे खड़ा रहे, आप बाइबल को पढ़ते रहें, आप उन लोगों पे ध्यान देते रहें जो वचन पे खड़े रहने के कारण आशीषित हुए, और उन लोगों पर भी ध्यान देते रहें जो वचन से हटने के कारण शैतान का शिकार हुए। फिर आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जो बच्चा अपने पिता के अधीन है पिता उसी की रक्षा कर सकता है, अगर वो पिता को छोड़ के चला जाए वो अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकता। अगर आप वचन के नीचे हैं आप अपने बाप के नीचे हैं, अगर आप वचन के नीचे हैं तो परमेश्वर आपकी सुरक्षा भी करेगा, आपके इंतजाम भी करेगा, आपके बच्चों को संभालेगा भी, उन्हें बड़ा भी करेगा, उन्हें अपने जैसा बनाएगा भी। उसे जानता आप कौन सा बिजनेस करते हैं, वो जानता आपको जॉब में कब बढ़ाना है, वो जानते हैं कौन सा स्टेप आपको कब लेने के लिए प्रेरित करना है, वो सब जानता है इन चीजों को। हालेलुया।
मेक श्योर अपनी लाइफ को आप दोबारा से फिर से जांचें, हर कुछ दिन बाद अपनी लाइफ को जांचें। मैं जांचता हूं अपनी लाइफ को, हर कुछ दिन बाद, हर कुछ महीने बाद अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करता हूं परमेश्वर के लिए, और अधिक डेडिकेशन के साथ, और अधिक डिजायर के साथ। उसने कहा तो अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरी शक्ति, पूरे प्राण, सब कुछ जो तेरे दिल में है, जो तेरे मन में है, जो तेरे शरीर में है, तेरी बुद्धि में है, कहता तू सबसे परमेश्वर से सबसे अधिक प्यार कर। परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा, उसकी प्रेजेंस में रहने की इच्छा, उसका काम करने की इच्छा, सुसमाचार देने की इच्छा आपकी जिंदगी में कभी मध्यम नहीं होनी चाहिए। इस आग को जितना बढ़ा के रखोगे, सप्लाई उतनी हेवन से पूरी आने वाली, यीशु मसीह के नाम में पूरी सप्लाई आने वाली। मैं आपको बता रहा हूं, हर वो बैरियर, हर वो रुकावट, हर वो डैम गेट, स्लूज गेट जो डैम के आगे लगा होता है, मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ पर उसे खुलता हुआ देख रहा हूं, आपके फाइनेंस पर उसे खुलता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपके चर्च में निकाल। मैं उस हीलिंग की नदियों को आपकी लाइफ पे बहता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो खुदा से प्यार कर। बाइबल कहती है जिससे वो प्यार करता है और जो खुदा से प्यार करता है खुदा उसे छुड़ाता है। भजन संहिता 91 में लिखा, तूने जो मुझसे प्यार किया इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। कितने लोग ऐसे जो अपने घर में रोज प्रार्थना करते हैं, हाथ खड़ा करो। जो परिवार समेत प्रार्थना करते हैं वो भी हाथ खड़ा करो। आपको परिवार समेत भी प्रार्थना करनी, आपको अकेले भी प्रार्थना करनी, आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा। कोई भी चीज हो, आप थके हो ना हो, कोई काम हो, हमारे बच्चे रात को एक टाइम पे हमें प्रार्थना के लिए खींच लेते हैं, चाहे मैंने ऊपर 8 घंटे प्रार्थना की हो। क्योंकि जिस दिन परमेश्वर के लिए प्रेम ठंडा हो गया, वो ये नहीं कहता खत्म हो जाएगा, उसने ये नहीं कहा तुम परमेश्वर का इनकार कर दोगे, उसने कहा धीरे धीरे ये प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा शैतान तब अटैक करेगा। मेक श्योर आपका प्रेम हमेशा गर्म हो खुदा के लिए, आप हमेशा उसकी सेवा के लिए खड़े रहें, उसके कामों के लिए खड़े रहें, उत्साहित रहें परमेश्वर के लिए। उसने ये नहीं कहा कि डर खुदा का मेरा बल है, उसने कहा परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। उसकी सेवा करने का आनंद लो, प्रार्थना करने का आनंद लो। आप नहीं जानते वो प्रार्थना, वो फास्टिंग आपको कितनी मुसीबतों से बचाती है जो आपकी तरफ आने वाली थी। आप नहीं जानते जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके काम के लिए लग जाते हैं, चाहे वो अपने चर्च के लिए काम करें, अपने अगुए के लिए काम करें, खुदा के लिए काम करें, आप नहीं जानते परमेश्वर कितना आपको बचा के रखता है। क्योंकि वो जानता है अगर ये मुसीबतों में ऐसी फंसा रहेगा तो मेरा काम कैसे होगा, और वो आपके रास्तों को साफ करता है, आपको ग्रेस देता है, आपको अनुग्रह देता है कि आप बचे रहें और परमेश्वर के कामों में बढ़ते रहें। अपनी लाइफ के आसपास की चीजों को, अपनी लाइफ के आसपास के बंदों को, अपनी लाइफ के आसपास जो भी हो रहा है उनको आत्मिक रीति से देखो, कहां पे परमेश्वर काम कर रहा है, कहां शैतान आपकी आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, कहां पे वो आपकी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, कहां पे वो आपकी लाइफ में काम करने की कोशिश कर रहा है, उसे ढूंढो, उसे खत्म करो। वो दिन बहुत नजदीक है, क्योंकि ये कोरोना शोरोना एक दिन आएगा, एक दो बार आके खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि भीड़ नहीं, एक मास भीड़ खुदावंद के भवनों में आपको मिलेगी। मास गैदरिंग। अगर अंत के दिनों में शैतान काम कर रहा है तो परमेश्वर उससे ज्यादा काम कर रहा है। वो हीलिंग पहले से ज्यादा कर रहा है। मेरे कल्स कितने दिग नंबर्स में हो रहे हैं। पहले एक गवाही सुनने के लिए लोग गांव में जाते थे, गांव में पता था ना इसकी गवाही है। इंटरनेट यूट्यूब होता नहीं था, फेसबुक था नहीं, एक गवाही मालूम होती थी फलानी चर्च में एक गवाही हुई, उसको सुनने के लिए लोग ऑटो करा के उसके घर ढूंढ ढूंढ के उसके गांव में जाते थे। लेकिन आज आप हजारों टेस्टिमनी हर संडे सुनते हैं। अगर अंत के दिनों में शैतान काम कर रहा है क्योंकि परमेश्वर ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा रूहें बच रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।